आज अखबार पढ़ते पढ़ते मन खराब हो गया। अखबार खोला तो देखा पूरे पेज का विज्ञापन साउथ दिल्ली एमसीडी का। जिस एमसीडी के पास गंदे पानी की निकासी के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए एक पूरा पेज का खूबसूरत विज्ञापन छापने का पैसा है। पेज पलटा तो देखा ये जो पूरा पेज है ना, जिसमें खबरें दिख रही हैं, ये खबरें नहीं हैं, दरअसल ये पैसा दिया हुआ विज्ञापन है दिल्ली सरकार का, छुपा हुआ विज्ञापन। पेज पलटा, एक और विज्ञापन दिल्ली सरकार का। अगले पेज पर एक और विज्ञापन, फिर दिल्ली सरकार का। अखबार बंद करने लगा तो निगाह पड़ी एक पूरे पेज का विज्ञापन, इस बार फिर दिल्ली सरकार का, और उसके पीछे एक और पूरे पेज का विज्ञापन। पता नहीं क्यों निगाह अटक गई। ये विज्ञापन में जिन दोनों की तस्वीर है ना, आप पहचानते होंगे, ये दोनों 3 साल पहले मेरे साथ दिल्ली की सड़कों पर घुमा करते थे और कहते थे कि ये जो हर बस स्टैंड के ऊपर शीला दीक्षित की तस्वीर लगी हुई है, ये हमारी जनता के पैसे से लगी हुई तस्वीर, ये तो भ्रष्टाचार है ना। एक नेता जनता के पैसे से अपनी तस्वीर लगाए, अपनी पार्टी का विज्ञापन करवाए, ये तो भ्रष्टाचार है। आज इन्हीं दोनों का तस्वीर मैं यहाँ देख रहा हूँ। एक दिन एक अखबार के 5 पूरे पेज विज्ञापन से भरे हुए, और ये सिर्फ उसी अखबार की बात नहीं है, सारे अखबार मैंने देख लिए, किसी में 3 पेज, किसी में 5 पेज, किसी में 6 पेज। ये लाखों करोड़ों का धंधा है। एक दिन में जनता के पैसे से लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके व्यक्ति का, पार्टी का राजनीतिक प्रचार, आप बताइए भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? कहीं अंदर से आवाज आई, बस बस और नहीं। मैंने अखबार रख दिया, आंखें बंद की, और कहीं अंदर से हिम्मत आ गई। आज फिर सच सड़क पे खड़ा है, लेकिन अकेला नहीं है। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, स्वराज इंडिया चुनाव में उतरी है, हमारे पास पैसा नहीं है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाने का पैसा नहीं है, अखबारों में विज्ञापन देने के साधन नहीं है, और ये जो संदेशा मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसे टीवी पे, रेडियो पे देने का पैसा भी हमारे पास नहीं है। लेकिन स्वराज इंडिया के कार्यकर्ता के पास सच है, सही बात को सही और गलत को गलत बताने की हिम्मत है, संकल्प है, एक जुनून है कि वो जो आशा का दिया आज से 5 साल पहले इस देश में जगा था, उसे बुझने नहीं देना। स्वराज इंडिया के पास न पैसा है, न ताकत है, न सत्ता है, न लालच है, मगर उसके पास आप हैं। ये अखबारों में विज्ञापन दिखाएंगे, आप पेज पलट देंगे, ये रेडियो टीवी पे विज्ञापन दिखाएंगे, आप चैनल बदल देंगे, ये झूठे वादे करेंगे, झूठे दावे करेंगे, आप हंस देंगे। इससे बड़ी ताकत लोकतंत्र में किसी के पास नहीं है जो आपके पास में है। आपसे एक ही अपील करता हूं कि इस सच्चाई की लड़ाई में आपको भी कुछ करना होगा। फोन उठाइए, अपने दोस्त को बताइए, पड़ोसी से बात कीजिए, रिश्तेदार को बताइए, दुकानदार के पास जाएं तो सबसे बात कीजिए, बताइए कि सच्चाई फिर दिल्ली में खड़ी है और उसका नाम है स्वराज इंडिया। एक बात आपको याद दिला दूं, जब जब सत्ता और जुनून की लड़ाई हुई है, तब तब सत्ता हारी है और जुनून जीता है। इस बार भी जीतेगा, आप भी जीतेंगे।